कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके बाद से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि दुनिया भर में देश की पहचान इंडियन कोरोना के नाम से बन गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा, इसकी शुरुआत चीनी कोरोना से हुई थी, अब यह भारतीय वेरियंट कोरोना है। आज भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोविड-19 के भारतीय संस्करण से डरते हैं। हमारे वैज्ञानिक इसे भारतीय संस्करण कह रहे हैं। इसके अलावा कमलनाथ ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडियन कोरोना से सब डर रहे हैं, सारी उड़ाने बंद करो। जो लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश जाने वाले थे, उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। वहां ये कहा जा रहा है कि इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपने देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, मेरा भारत कोविड का बन गया है। इस दौरान कमलनाथ ने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वो कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है। वहीं भाजपा ने कमलनाथ के बयान पर अपनी नाराजगी जताई है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से भारत के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर स्तब्ध और दुखी हूं। कुछ दिन पहले हमने अरविंद केजरीवाल के मुंह से भारतीय कोरोना संस्करण और सिंगापुर पर फेक बयान सुना। अब कमलनाथ भी इसे इंडियन कोविड कह रहे हैं। ये जानबूझकर कह रहे हैं, हर जगह वहां सवाल उठाना जहां देश का अपमान हो। अगर आप इस तरह की और न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल खिचड़ी द न्यूज चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे।